हाय गाइस, आज 4 महीने बाद मैं आपके लिए फिर से टायर वेल्ट TW1666 का रिव्यू लेके आया हूँ कि अभी तक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और बहुत लोगों का डाउट थे, मैंने कमेंट्स में देखे हैं, उन लोगों को इसके फंक्शंस के बारे में जानना है कि कैसे इसके बटन्स काम करते हैं, लाइट कैसे जलती है और इसके जो यूनिट्स है वो कैसे सेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगा, तो जिनका जिनका डाउट है वो प्लीज़ इसमें देख लीजिए क्या क्या डाउट है उनका, इसमें मैं सब सॉल्व कर दूँगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टारगेट जो सेट करने का, यहाँ पे 4 बटन है, प्लस का बटन है, माइनस का बटन है, आर है और एक पावर बटन है। तो ये प्लस के बटन से तो आपको पता ही होगा, ये इससे आप टारगेट को बढ़ा सकते हैं, माइनस से आप कम कर सकते हैं इसका वो। और ये जो आर का बटन है, इसको आप सिंगल प्रेस में से बार पे ला सकते हैं, केपीए, केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये भी सेट हो सकता है, उसके बाद है PSI। जनरली PSI टायर में हवा भरने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये बटन जो है आर वाला बटन, ये आर का बटन आप 2 सेकंड के लिए दबा के ऐसे रखेंगे तो इसके लाइट्स ऑन हो जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं। और इसको ही फिर अगर आप 2 सेकंड के लिए अगर आप दबा करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये देखिए ऑफ हुआ। और हमने इसमें जो है 34 टारगेट सेट किया है, और उसके बाद अगर ऑन करना है आपको, टारगेट प्लस माइनस करने के बाद आपको ये पावर बटन एक बार प्रेस करना है सिंपली। और इसी को हमको ऑफ करने के लिए फिर से पावर बटन दबाना पड़ेगा, ये देखिए पावर बटन एक बार दबाने से ऑन हो जाएगा और फिर एक और बार दबाने से वो ऑफ भी हो जाएगा। पर अगर आपने टारगेट 34 सेट करके रखा है, अगर आपके टायर में हवा पूरी हो गई है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हैं, वहाँ पे ये जो है ये जो पूरा भर जाएगा, मतलब आपका टारगेट कंप्लीट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा ये। तो बस गाइस, इतना ही था जो आपको वीडियो में बताना था। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं भी इसके बारे में और वीडियो ला सकता हूँ आपके लिए, तो कमेंट्स में बताना मुझे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं पर सब्सक्राइब को बहुत कम लोग करते हैं सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के हेल्प के लिए इसको शेयर भी कर सकते हैं कि इसका रिव्यू है या मिला है आपको, अगर वो भी परचेस करना चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको ये सबसे सस्ते में अगर खरीदना है ऑनलाइन में, अमेजोन बहुत ज़्यादा कीमत पर आप ले रहे हैं इसको, फ्लिपकार्ट है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, पर अगर आप सबसे चीपेस्ट अगर लेना चाहते हैं टायर वेल का TW, हाँ टायर वेल का जो TW1666 अगर आप लेना चाहते हैं, जो AC का कनेक्शन है, ये प्यारा डायरेक्ट बिजली से भी चलता है और चार्जर से भी चलता है, तो आप मोगलिक्स पे ले सकते हैं। moglix.com एक ऐप मिल जाएगा आपको गूगल प्ले में, आप सर्च करके मोगलिक्स बोल के उस पर सर्च करके आप इसको आपको मिल जाएगा, उसमें लगभग 2500 रुपये में पड़ जाएगा, पर आपको अमेज़न में 4000 तक का मिल जाएगा ये कि सेम चीज़ 4000 तक का, तो आपको 1500 रुपये इधर बच गए। तो बस मेरे फ्रेंड्स, इतना ही था। जो भी है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं तो इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, और भी वीडियोस लेके आऊँगा। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।